नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। बैतूल भैंसदेही नगर परिषद ने 45 लाख रुपए की लागत से सड़क किनारे पेविंग का कार्य प्रारंभ किया है, जिसमें नगर परिषद की मिलीभगत से ठेकेदार घटिया कार्य को अंजाम दे रहे हैं। रेत की जगह बड़े पैमाने पर डस्ट का उपयोग किया जा रहा है। वहीं लोहा भी एस्टीमेट के आधार पर न लगाना बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। इस घटिया निर्माण कार्य की पोल अभी से खुलती नजर आ रही है, जिसका बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं। अभी कार्य पूर्ण भी नहीं हुआ है और जगह जगह से दरारें आने लगी हैं। तो वहीं सीमेंट से बनी पेविंग की दीवार टूटने लगी है, जिसकी शिकायत भी सीएम हेल्पलाइन पर की गई है। बावजूद उसके नगर परिषद सीएमओ एवं इंजीनियर के कार्य की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं किया गया। नगर के बीचों बीच बड़े पैमाने पर हो रहे इस भ्रष्टाचार का जनता खुली आंखों से देख तो रही है, लेकिन घटिया निर्माण कार्य के खिलाफ आवाज नहीं उठाती है। और नगर के सत्ताधारी जनप्रतिनिधि भी इस घटिया निर्माण कार्य को रात और दिन खुली आंखों से देख रहे हैं, लेकिन घटिया निर्माण कार्य के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे, या यूं कहें कि दोनों दलों की मिलीभगत से इस घटिया निर्माण कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। क्यों प्रशासन नगर परिषद में प्रशासक की भूमिका में होने के बावजूद आंखों पर काला चश्मा लगाए बैठा है? वर्तमान नगर परिषद प्रशासक SDM के कार्यालय सामने यह कार्य किया जा रहा है, बावजूद इसके SDM द्वारा इस घटिया निर्माण कार्य पर आज तक संज्ञान नहीं लिया गया। क्या SDM प्रशासक के द्वारा किसी शिकायत का इंतजार किया जा रहा है, ताकि सत्ताधारी पार्टी को ऐसा न लगे कि ठेकेदार की गाड़ी कमाई में मेरे द्वारा कोई हस्तक्षेप किया गया है? नगरवासियों ने कलेक्टर से मांग की है कि घटिया निर्माण कार्य को तत्काल रोका जाए और जिम्मेदार के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर पुनः गुणवत्तापूर्ण कार्य प्रारंभ किया जाए। खबर समय जगत के लिए बैतूल से रमेश पिल्लई की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.